खास तौर पर ये लगातार जो है 19वें दिन में 13वां पुल जो है लगभग गिरा है, आज भी मोतिहारी में जो है पुल गिरा है, इस पर सरकार गंभीर है। कभी भी कोई भी हादसा अगर होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन है? और हमने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, गंभीर मामला है, लगातार पुल गिरे जा रहे हैं और इस पर सरकार प्रशासन एकदम चुप्पी साधी हुई है। ऐसा लगता है कि ये बहुत मामूली सी बात है और ये मतलब परंपरा बनती जा रही है। तो हम तो इस बात को लेकर के कई बार हम लोगों ने उठाया है, खास तौर पे पुल गिरने का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे पेपर लीक का घोटाला हो, या आप देखिएगा जिस प्रकार से अपराध की सीमा जो है बलात्कार, हत्या, लूट, अपराध जो है बढ़ता जा रहा है, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ एक व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेदारी लेकर के इस बात को बताने का काम करे। ये किस बात का डबल इंजन का सरकार है, ना बिहार के लिए कुछ हो रहा है ना बात हो रही है। बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा जा रहा है, पुल भी जो है वो गिर जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अपराध बढ़ती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बढ़ता जा रहा है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए